सभी लोगों को सुबह की नमस्कार। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरी लखनऊ के आश्रय रैन बसेरा से। कल के दिन हम यहीं रुक गए थे क्योंकि यहाँ रहने की बड़ी अच्छी सुविधा थी, और कल हम लोगों ने यहाँ पर कपड़े धोए और फिर उसके बाद शाम के समय थोड़ा घूमे थे। दिखाता हूँ आपको थोड़ा रैन बसेरा। ये है रैन बसेरा का व्यू, देखो यहाँ पर लगी हैं खाटें रहने के लिए, और देखो बिल्कुल होटल नुमा है रैन बसेरा। किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि रैन बसेरा है। और इस रैन बसेरे में सबसे अच्छी सुविधा क्या है, यहाँ पर ये नया लॉकर रूम भी बने हुए हैं सबके लिए, सामान रखने के लिए सेपरेट सेपरेट अलमारियाँ अलग बनी हुई है। हमने इसमें रखा था सामान, अपना सामान निकाल लिया। और लोगों के लिए भी जितनी चारपाइयाँ हैं यहाँ पे उतने लॉकर रूम भी बने हुए हैं अपना सामान रखने के लिए। और यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी है, खाने के लिए आप शाम को एक समय खाना मिलता 50 रुपये में, आप दाल रोटी सब्जी चावल खा सकते हैं। और कभी भी लखनऊ में आओ तो ऐसे 4-5 रैन बसेरे हैं, आप फ्री में रह सकते हो यहाँ पे एकदम। और सारी सुविधाएं यहाँ पर, लेटरिन बाथरूम भी एकदम साफ़ है, होटल नुमा रैन बसेरा है। रैन बसेरे से बाहर आ चुके हैं हम लोग और अपना सामान ले आए। ये देखो सामान, इतना सारा सामान है यार, साइकिल में बांधना है ये बांधते हैं। और ये साइकिलें थी हमारी यहाँ पर खड़ी एक दिन मतलब परसों रात को आए, कल दिन रही यहीं पर ही। और आज फिर से एक बार कोहरा दिख रहा लखनऊ की सड़कों में, देखते हैं कितने देर तक रहता है कोहरा। सामान बांधते हैं साइकिलों में, फिर करते हैं अपनी यात्रा आगे को शुरू। साइकिल हो गई हमारी रेडी, ये देखिए सारा सामान वामान पैक कर दिया साइकिल में, अपना झंडा लगा दिया अपना जय श्री राम का, और अपनी साइकिल हो चुकी रेडी। मनोज भाई भी तैयार हैं और ये दो भाई लोग हमें रैन बसेरे से बाहर छोड़ने के लिए आए हैं। आपका नाम क्या था फिर, भूल गया मैं। आशुतोष चतुर्वेदी। आशुतोष जी, और आपका भाई साहब अंकित शुक्ला। और ये हैं शुक्ला जी, और ये भी हमारे साथ रैन बसेरा में थे यहीं पे। और चलते हैं, फिर मिलते हैं कभी, आओ उत्तराखंड में हैं, और चलते हैं आगे की तरफ। हम आ चुके हैं रैन बसेरे से बाहर, चलते हैं आगे की तरफ। आप चलें फिर भैया हैं, ओके फिर मिलते हैं। कल रात को काफ़ी भीड़ थी इस रोड में और अभी तो सुनसानी है। चल दिए हम लखनऊ से आगे की तरफ। आज फिर से धुंध है रोड में, कुछ दिनों से साफ था मौसम, आज कोहरा दिख रहा फिर से। सुबह सुबह का समय है ये लखनऊ के मार्केट का, सुनसानी है अभी, थोड़ा बहुत ही ट्रैफिक दिख रहा अभी। लखनऊ की रोडों में देखिए सुबह सुबह ही इतना ट्रैफिक हो चुका है, बड़े शहरों में तो बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अभी 2-4 किलोमीटर चले ही थे, हमें एक दिख गया यहाँ पर को ढाबा, यहाँ करते हैं हम नाश्ता। हमने साइकिलें कर दी अपनी इधर खड़ी। अभी सुबह सुबह का समय है, सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए, देख सकते हैं आप कोहरा छटने लग गया। और पता करते हैं भैया क्या है खाने में आपके पास। आलू कुलचा है, रायता चटनी मक्खन छोले के साथ, 25 रुपये प्लेट। क्या हिसाब के लाते हो? 25 रुपये प्लेट। 25 रुपये प्लेट लगा दीजिए, 2 प्लेट लगा दीजिए। 25 रुपये प्लेट यहाँ पे कुलचा रायता सब्जी क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। देखो अभी लगने के बाद देखते हैं और खाते हैं, फिर करते हैं अपनी यात्रा आज की शुरू आगे की तरफ। ये लग चुका है देखो हमारे लिए चटनी रायता छोले आलू की सब्जी और बटर लगा के मिल रही हैं रोटियाँ। 25 रुपये में कितनी लेते हो भाई साहब? 25 रुपये में 2 मिलती हैं, कोई बुरा नहीं है। ये खाते हैं मस्त, देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, खाने में भी अच्छा ही होगा। अपनी गाड़ी में कर लिया पेट्रोल फुल। और आप लोगों से एक निवेदन करूँगा यार, आप जब भी यात्रा करते हो तो छोटे ढाबों में खाना खाया करो। ये देख सकते हैं आप, एकदम हमारे सामने सामने बन रहा है, इतना ताज़ा और सस्ता। ताज़ा तो मिलता ही है छोटे ढाबों में खाना, और सस्ता भी मिलता है छोटे ढाबों में खाया करो। आपने हमारी पूरी यात्रा देखी होगी, हम तो ज़्यादातर छोटे ढाबों में खाते हैं, कभी मजबूरी में ही खाते हैं, कोई बड़े रेस्टोरेंट में जब छोटा ढाबा ना मिले खाना वाना खा लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ, जाना है यहाँ से राइट, क्योंकि मैंने अभी लगा रखा अपने मोबाइल में रोड मैप, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। गूगल बाबा कह रहे हैं हमसे कि दाईं तरफ चलो। अब
अभी मैं हूँ लखनऊ के एक ब्रिज के ऊपर, यहाँ से निकल ही रहा था। मेरे को एक यहाँ पर दिखाई दी, देखिए झोपड़पट्टी दिखाई दी, और इस तरफ है रेलवे फाटक, ये रेल की लाइन है। और अभी मेरे को इस जगह में इसलिए रुकने का मन कर गया क्योंकि हमारे वहाँ पर अभी हल्द्वानी में एक मामला चल रहा है जो रेलवे लाइन के बगल में अतिक्रमण किया है। अधिकतर लोग ये देखिए झोपड़पट्टियाँ लगी हैं सारी रेलवे लाइन के ही किनारे किनारे में, ये लोग सारा कब्जा करके बैठे रहते हैं और उसके बाद इनको हटाने की बारी आई। तो हल्द्वानी में देख सकते हो आप क्या हो रहा है अभी। बहुत देर से मैं एक चीज़ देख रहा था, लखनऊ की पूरी रोडों में देखो आप जय श्री राम वाले झंडे लगे हुए हैं। इन झंडों को देख के यार मज़ा ही कुछ और आ जाता है। और हमारी साइकिल में भी झंडा लगा है और पूरी मार्केट में यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, इनको देख के तो सीना चौड़ा ही हो जाता है यार। जय श्री राम। इस जगह से सीतापुर बच गया है 80 किलोमीटर। देखते हैं आज सीतापुर का हमने बना रखा नाइट स्टे का, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। सुबह से लगभग 50 किलोमीटर साइकिलिंग कर दी हमने, 50 किलोमीटर और चलानी है। यार हाईवे ऐसे होते हैं ना प्लेन से के साला बैठने की जगह नहीं मिलती कहीं भी। कब से जगह ढूंढ रहे थे थोड़ी देर बैठते हैं करके, अभी एक जगह मिली बैठने की। ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बैठने लायक जगह है, साइकिल लगा दी हमने यहाँ पे। थोड़ी देर करते हैं यहाँ पर रेस्ट। कल रात लखनऊ की मार्केट से लिए थे हमने ड्राई फ्रूट, खाते हैं थोड़ा एनर्जी लेते हैं। ये देखिए हमारे लिए तो ड्राई फ्रूट हो या खाना हो बात एक ही है, 350 ग्राम ड्राई फ्रूट कर दिए 15-20 मिनट में चट। आप चलते हैं। ये देखो यहाँ पर नहा रहे हैं कुछ बच्चे और कैमरे को देखते ही लिए भाग गए, ये कुछ छुपने लग गए। ये बच्चा यहाँ पे, ये देखो बकरी के ग्वाले आए हैं ये लोग, भाग गए बच्चे सब। क्या बात, भागे क्यों बच्चे वीडियो बनाने में? डर रहे हैं क्यों? यहाँ के बच्चे हमें देख के डर रहे, लग रहा हम डरावने लग रहे हैं, इसका मतलब बच्चे देखते ही भाग गए। 1.5 घंटे के रेस्ट के बाद अब हम लोग फिर से निकल लिए आगे की तरफ। अभी हम लोग हैं सीतापुर से लगभग 30 किलोमीटर पीछे, हमारा हो गया था पानी ख़त्म। ये देख सकता है नायरा का पेट्रोल पंप है यहाँ पे, और पेट्रोल पंप से हमने पानी भरवा लिया। ये है पेट्रोल पंप के लोग, ये लोग काम करते हैं पेट्रोल पंप में यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर लड़कियाँ साइकिलिंग करते हुए। अभी हम लोग हैं सीतापुर से करीब 20 किलोमीटर पीछे और हम जा रहे थे यहाँ पर से, यहाँ पर मंदिर पे लगा हुआ था भंडारा और यहाँ बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर अंदर राधा कृष्ण का मंदिर है, कल रात यहाँ पर रामायण हुआ है और रामायण के बाद अभी भंडारा चल रहा था और हम भी सही टाइम पर पहुँचे और हमने भी भंडारा चख लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ हम, भूख भी लगी थी और सही टाइम में भंडारा भी मिल गया हमें, किस्मत तो बढ़िया ही चल रही है अपनी हर तरफ से। ये जो सीधा रोड जा रहा है ये है सीतापुर की तरफ, हमारा आज का प्लान हो गया चेंज। हम जा रहे हैं यहाँ पर से नियमेश धाम की तरफ, जो रास्ता है यहाँ से लेफ्ट को। चलो भैया आ जाओ, सीधे वाला रास्ता है सीतापुर की तरफ और हम जा रहे हैं नियमेश धाम के लिए। हम जा रहे थे नियमेश धाम को और हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया कि आज बहुत दिनों से हम रैन बसेरा या कोई सरकारी टेंट या होटल्स में रह रहे हैं, आज अपनी कैंपिंग करते हैं, अपना टेंट लगाते हैं। हमें लोकेशन मिल चुकी है यहाँ पे, ये देखिए इस साइड को फील्ड है और इसके नीचे से जो पुल दिख रहा है, इस पुल के नीचे यहाँ पर को है नदी। खाना तो खा के आए हैं हम लोग अभी भंडारा में, खाने की हमें ज़रूरत है नहीं और यहीं पर टेंट लगाते हैं और यहीं रहते हैं आज। आप लोगों को भी दिखाते हैं लोकेशन। चलते हैं अब अपनी नीचे कैंपिंग साइट की तरफ।
नीचे जाके देखते हैं कोई बढ़िया सी जगह मिलती है तो वहाँ लगाते हैं। और साइकिल का कांड हो गया। फिर कर चुका हूँ मैं नीचे। गाय भी देख रहे हैं हमारे साथी कौन आगे करके। डर रही गाय, डरो मत डरो मत। ये आ चुकी है हमारी कैंपिंग लोकेशन। हम आ चुके हैं रोड से नीचे और मैंने साइकिल लगा दी अपनी झाड़ की आड़ में यहाँ पे। और मनोज भाई भी कहाँ पे खड़ी करूँ करके देख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बेस्ट लोकेशन कहाँ पर को लगाते हैं टेंट। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, इस साइड है नदी, ये देख सकते हैं पीछे है नदी और इस तरफ हमारी कैंपिंग लोकेशन। इस तरफ क्या प्यारे प्यारे हरे हरे खेत दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप नदी के उस पार। और आज रात बिताते हैं यहीं पे, टेंट वेंट लगाते हैं, फिर करते हैं रेस्ट, फिर करेंगे कल की यात्रा यहाँ से आगे को। टेंट लग चुका है अपना, देख सकते हैं आप लोग। ये सामान बिखरा है अभी अभी टेंट के अंदर रखते हैं सारा सामान। देखो इधर गांव के यहाँ के भाई लोग आए हैं बहुत सारे, इधर हमें देखते ही सब लोग आएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं ऊपर से देखिए तो कहा इधर क्या हो रहा है, सब सारे लोग आ गए हमें देख के यहाँ। बोलोगे एक बार जय सियाराम सब लोग? जय सियाराम। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, काफ़ी रात हो चुकी है, अब सो जाते हैं।